जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में आप लोग का एक नोटिस आया हुआ है जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। जी हाँ, वैकेंसी नोटिस है जिसकी जानकारी आप लोग को मेरे स्टूडियो मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, सीआरपीएफ की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंपनसेट अपॉइंटमेंट है, वैकेंसी पोजिशन की जानकारी दी है, नोटिस है आप लोग का। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि कुछ वैकेंसियां यहाँ पे शो हो रही हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। सर, ये वैकेंसी क्या है? क्या सर जो 9000 वैकेंसी आई थी सीआरपीएफ की उसी में से कुछ वैकेंसी है या फिर कोई न्यू वैकेंसी आने वाली है? A to Z जानकारी प्रोवाइड कराई। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, वैकेंसी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे सीआरपीएफ में साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कंपनसेट अपॉइंटमेंट वैकेंसी पोजीशन, वैकेंसी की जानकारी दी गई है आप लोग को। जो कंपनसेट वैकेंसियां होती है, ठीक है, कंपनसेट अपॉइंटमेंट होता है, कंपनसेशन ग्राउंड की आप लोग की वैकेंसियां निकल के आती, वही वैकेंसी है ये। मीन्स ओपन वैकेंसी इस तरह से नहीं है जिसमें कि सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकें। जी हाँ, ये वैकेंसी पोजीशन जो दिखाई गई है कंपनसेट अपॉइंटमेंट है जिसमें कि आप लोगों को बताया गया डेट डिटेल अवेलेबल वैकेंसी वेरियस रैंक अंडर कंपनसेट अपॉइंटमेंट कोटा। तो जो आप लोग का कंपनसेट अपॉइंटमेंट कोटा होता है उसके अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है जिसमें कि ASI फार्मासिस्ट की एक है, ASI टेक्नीशियन सिग्नल स्टाफ की तीन है, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की एक है और कांस्टेबल GD मेल आप लोग की 296 वैकेंसी है। जी है, GD की आप लोग की 296 है। इसी प्रकार के कांस्टेबल SK आप लोग की सफाई कर्मचारी की 2 है, बगलर की 38 है, पेंटर की 2 है, ड्राइवर की 25 है, कारपेंटर की 1 है और कुक वाटर कैरियर मेल की यहाँ पे 28, 397 वैकेंसी। अच्छी खासी आप लोग की वैकेंसी है जिसमें कि आप लोग का 31/4/2024 की यहाँ पे डेट दिया गया है इसे अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी की डिटेल है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए वैकेंसी है क्या, कंपनसेट अपॉइंटमेंट है। तो देखिए, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि आप लोग को साधारण हिंदी लैंग्वेज में बताया जाए तो ये अनुकंपा। जी हाँ, अनुकंपा आधार पे आप लोग की ये भर्ती है। अनुकंपा का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे। ये अनुकंपा की भर्ती किसके लिए होती है? ये अनुकंपा की भर्ती उनके लिए होती है मीन्स जो सीआरपीएफ के उन कर्म जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनके आश्रितों के लिए होती है। तो ये सीआरपीएफ के एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो कि शहीद हो गए होते हैं या फिर मिसिंग हो गए होते हैं जॉब के वक्त या फिर मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, तो ये वो एम्प्लॉय होते हैं, उनके जो आश्रित होते हैं वही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसियां उन्हीं के लिए होती है, यानी कि उनके आश्रितों के लिए होती है, उनके बच्चे मीन्स चाहे वो मेल फीमेल और इसके अलावा जो भी मीन्स वाइफ वगैरह या फिर हस्बैंड जो भी है, ठीक है, तो आश्रितों के लिए ही ये वैकेंसी होती है। वो एम्प्लॉय जो कि शहीद हो गए होते हैं या फिर मिसिंग हो गए होते हैं जॉब के वक्त और इसके अलावा जो मेडिकली अनफिट करार कर दिए जाते हैं, तो उन्हीं के आश्रितों के लिए वैकेंसियां हैं। जी हाँ, उन्हीं की डिटेल यहाँ पे दी गई है, ओपन वैकेंसी नहीं है, सभी के लिए वैकेंसी नहीं है। तो अब आप लोग चिंतित नहीं होंगे, परेशान ना हो, ये वैकेंसियां आप लोगों के लिए नहीं है। जी हाँ, तो ये वैकेंसी की डिटेल, अच्छी खासी वैकेंसी है कंपनसेशन ग्राउंड पे। तो इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट्स वगैरह होंगे तो उनका आगे का जो भी प्रोसेस वगैरह होगा, डिटेल वगैरह आती है तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी, बट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दे दी है, अच्छी वैकेंसी है। तो अभी मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कंपनसेट अपॉइंटमेंट क्या होता है, वैकेंसी की डिटेल दी गई है और कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, कोई न्यू वैकेंसी या ओल्ड वैकेंसी, तो आने वाले समय में आप लोग को जानकारी दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहे। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।